जेएनयू हिंसा मामले में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे संदिग्ध छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है। जेएनयू हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक अपनी संदिग्ध छात्रों की सूची में 50 से ज्यादा छात्रों के नाम शामिल किए हैं और 9 छात्रों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जेएनयू हिंसा मामले में जांच के दौरान संदिग्ध छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रविवार को दिल्ली पुलिस ने 7 और छात्रों को संदिग्ध पाते हुए अपनी लिस्ट में शामिल किया है। हालांकि ये कौन से संगठन से ताल्लुक रखते हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब कुल मिलाकर संदिग्ध छात्रों की संख्या 50 के पार पहुँच चुकी है। जेएनयू हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे संदिग्ध छात्रों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा छात्रों की पहचान कर ली है जो कि दिल्ली पुलिस की जांच के दायरे के अंदर आ गए हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 9 छात्रों की पहचान की थी और उनके नाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उजागर किए थे, लेकिन उससे ठीक अगले दिन 37 लोगों की दिल्ली पुलिस पहचान करती है। लेकिन अब जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं वो ये है कि अब 7 और छात्रों के नाम शामिल हो गए हैं जो कि पुलिस के जांच के दायरे के अंदर हैं। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा जेएनयू के सिक्योरिटी गार्डों से पूछताछ की है, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं। इसके साथ साथ वार्डन और 5 और छात्रों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जाँच कर रही है और पुलिस के सोर्सेज यही बता रहे हैं कि बहुत जल्द इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दरअसल बीते शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 9 छात्रों के नाम उजागर किए थे जिसमें 2 एबीवीपी और 7 लेफ्ट के छात्र हैं और उन सभी 9 छात्रों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अपने संगठन के 2 छात्रों को नोटिस जारी होने पर एबीवीपी ने सफाई दी है। एबीवीपी का कहना है कि हमारे जिन 2 छात्रों को नोटिस जारी हुए हैं उसमें से एक पर केवल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का आरोप है और दूसरे की फोटो के बिना पर नोटिस जारी किया गया है। पहले आपको मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबसे पहले 4 ऐसे संगठनों का नाम लिया जो कि हिंसा में लिप्त थे, पूरी प्लानिंग उन्होंने की, आईसा, एसएफआई, डीएसएफ, एआईएसएफ। दूसरी बात, जो 9 लोगों का नाम लिया है उनमें से 7 वामपंथी हैं। उस 7 वामपंथी पर आरोप क्या है ये आपको पता होना चाहिए। उन पर आरोप है पत्थर फेंकने का, मास्क पहन के डंडा और पत्थर चला के कमरे तोड़ने का, जबकि एबीवीपी के जो 2 कार्यकर्ता हैं उन पे आरोप है एक पे व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन होना। उस व्हाट्सएप ग्रुप उसने बनाया पर बाद में उसमें असामाजिक अराजक तत्व जुड़ने से उसमें हिंसा की बात करी गई। सूत्रों से पता चला है कि उसमें कांग्रेस आईटी सेल के भी कुछ लोग जुड़े थे जिन्होंने गलत बातें करी, तो इस पूरे व्हाट्सएप ग्रुप की जांच होनी चाहिए। दूसरे कार्यकर्ता जिनका फोटो अभी तक क्लियर नहीं है, जो कहां का है वो पूरा फोटो डॉक्टरेट है, उस फोटो की जांच होनी चाहिए। विद्यार्थी परिषद और एवीपी के 2 कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और इस हिंसा में जो भी आरोपी है उसको तुरंत सजा मिलनी चाहिए। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि यूनिट अगेंस्ट लेफ्ट नाम के व्हाट्सएप ग्रुप के 37 सदस्यों की पहचान हो चुकी है। इस ग्रुप में कुल 60 लोग थे। पुलिस के मुताबिक ये ग्रुप लेफ्ट पार्टियों के खिलाफ हिंसा वाले दिन ही बनाया गया था। कुछ जेएनयू से, उसके बाद में देखेंगे कुछ जामिया और दिल्ली के बाहर के लोग इस उसमें जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है। जब ये बाहरी लोग उसमें जुड़े तभी उस ग्रुप के अंदर गलत बातें हुई, तो जो भी हमसे मदद होगी हम लोग देने को तैयार हैं। और जब स्पेशली मैं बताऊं, जब मैं उस ग्रुप से जुड़ा तो उस ग्रुप में तब तक मेरा मोबाइल फोन हिंसा में टूट चुका था। आज मेरे हाथ की हालत भी आप देख सकते हैं। तो मैंने जब 2 दिन बाद वो ग्रुप देखा तब तक उस ग्रुप का नाम क्या था, बाद में नाम स्लैंग्स में चेंज होता गया, तो कहीं ना कहीं उस ग्रुप को लेके एक बहुत ही गलत धारणाएं, गलत मैसेजेस देश में दिए जा रहे हैं कि वो एबीपी का है। वो एबीपी का कतई नहीं है, उसके अंदर गलत मैसेजेस किए गए हैं। जिन भी लोगों ने गलत मैसेजेस किए हैं उसकी दिल्ली पुलिस एक एक मैसेज की, एक एक लोकेशन की जांच करे। लेकिन इस पर भी एबीवीपी का कहना है कि ये ग्रुप का एबीवीपी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हमारे लोग जरूर इस ग्रुप में शामिल थे, लेकिन जब हमें लगा कि इस ग्रुप में हिंसा से जुड़ी बातें हो रही हैं, तो हमने तुरंत इस ग्रुप को लेफ्ट कर दिया। जाहिर है पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 1 वार्डन, 17 सिक्योरिटी गार्ड्स और 5 छात्रों से पूछताछ की गई है और पुलिस ने इन सभी लोगों से पूरा प्रकरण समझने की कोशिश की है।
दिल्ली पुलिस के संदिग्ध छात्रों की लिस्ट में 54 छात्रों के नाम शामिल हैं, जिनमें से 9 छात्रों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बाकी के 44 छात्रों को बहुत जल्द दिल्ली पुलिस नोटिस जारी करेगी और पूछताछ के लिए बुलाएगी। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे दिल्ली पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिर वो नकाबपोश कब दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे और जेएनयू के मामले से पर्दा उठेगा। कैमरामैन मुकेश चंद्रा के साथ दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।